बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। गोलमाल अगेन बॉक्स ऑफिस की दुनिया में कुछ इस तरीके से धमाल मचाती आ रही है, उसका कोई जवाब नहीं। जबरदस्त तरीके से थिएटर में लगातार भीड़ हमें बढ़ती नजर आ रही है। आज सोमवार है, लोग फिल्म देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे, लोग छुट्टियां मार के इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। आपको बताते चले, गोलमाल अगेन को इस वजह से भी ज्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि इस फिल्म के तीनों पार्ट बेहतरीन रहे, तीनों पार्ट सुपर डुपर हिट रहे। इस फिल्म को रॉय सेट्टी ने बनाया है। इस फिल्म की बजट की बात की जाए तो 50 करोड़ से ऊपर का इस फिल्म का बजट है। अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो अजय देवगन, सुरेश अलबड़े, तुषार कपूर, अरशद वारसी, प्रनीति चोपड़ा, तब्बू जैसे बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में है। जहां पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 30 करोड़ रहा, दूसरे दिन का 28 करोड़, तीसरे दिन का 26 करोड़, अब चौथे दिन की अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो आज का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट लगभग 20 से 25 करोड़ के बीच रहा। इसके हिसाब से 104 करोड़ से ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी इंडिया में और 120 करोड़ वर्ल्ड वाइड का करंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें रात 12 बजे मिल जाएगी।